नमस्कार दोस्तों, टॉप गैलेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं अनूप सिंह आज आप सबके लिए 6 सितंबर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। दोस्तों अगर आप वन डे एग्जाम देते हैं तो ये सब करंट अफेयर आप सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश का नाम अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए सिफारिश किया है? हाल ही में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश का नाम अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए सिफारिश किया है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है जस्टिस चमलेश्वर, ऑप्शन बी है जस्टिस रंजन गोगोई, ऑप्शन सी है जस्टिस कुरियन जोसेफ और ऑप्शन डी है जस्टिस इंदु मल्होत्रा। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, जस्टिस रंजन गोगोई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाल ही में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच कराने का निर्णय लिया है? हाल ही में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच कराने का निर्णय लिया है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है इलाहाबाद और ऑप्शन डी है गोरखपुर। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पाकिस्तान में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? पाकिस्तान में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? ममनून हुसैन, डॉक्टर आरिफ अलवी, एताज अहसान, मौलाना फजलुर रहमान। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर। 18वीं एशियाई खेलों के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? 18वें एशियाई खेलों के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है पीवी सिंधु, ऑप्शन सी है रानी रामपाल और ऑप्शन डी है साइना नेहवाल। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, रानी रामपाल जो वुमेन्स हॉकी टीम की कप्तान है उन्होंने ही ध्वजवाहक किया था समापन समारोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पाँच। मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है प्रणब मुखर्जी और ऑप्शन डी है राहुल गांधी। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, वेंकैया नायडू की जो ये बुक है इसका विमोचन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सिक्स। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए डाटा के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए डाटा के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत देश कौन सा है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है मॉरिशस। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, मॉरिशस अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेवन। हाल ही में आर्थर परेरा का निधन हुआ वो किस खेल से संबंधित थे? हाल ही में आर्थर परेरा का निधन हुआ वो किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या हॉकी? दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, वो फुटबॉल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एट। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेल 2018 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेल 2018 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, पाकिस्तान को हराकर पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नाइन। रिकाको इकी एशियाई खेलों में सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी वो किस देश से संबंधित हैं? रिकाको इकी एशियाई खेलों में सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी वाला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी वो किस देश से संबंधित हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है भारत। दोस्तों ये ऑप्शन इसका ऑप्शन सी सही है, जापान की रिकाको इकी एशियाई खेलों में सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टेन। हाल ही में किस राज्य ने शहीद सैनिकों के परिवार के लिए रोजगार कैंप का आयोजन करने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस राज्य ने शहीद सैनिकों के परिवार के लिए रोजगार कैंप का आयोजन करने का निर्णय लिया है?
दोस्तों इसका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है बिहार। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, राजस्थान ने शहीद सैनिकों के परिवार के लिए रोजगार कैंप का आयोजन किया है। दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। धन्यवाद।